नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंपनी बेटर होती है, मैनेजमेंट कंपनी, ओनर कंपनी, ओनरशिप कंपनी, इन सब में क्या डिफरेंस है, चार्टर पार्टी क्या होती है, शिप चार्टर पार्टी पे क्यों होता है। आखिर ये सब आपको डाउट होगा, आखिर इतना पैसा कहाँ से आता है कंपनीज़ के पास जो कंपनीज़ बियर करती है सैलरी वगैरह। ये सब की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज दूंगा। इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बिफोर ज्वाइन शिपिंग इंडस्ट्रीज। दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में स्किप करेंगे या फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा तो आप मत देखिए, मैं वो करूँगा। अगर वीडियो देखते हैं तो एटलीस्ट उसको देखिए ताकि आपको समझ में आए। और जिन्होंने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम में कभी कभी शायरी भी याद आ जाती है। एक शायरी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ आपकी मॉर्निंग की। जब जब तुझसे मिलने की उम्मीद नजर आई, जब जब तुझसे मिलने की उम्मीद नजर आई, तब तब मेरे पैरों में जंजीर नजर आई। जब जब तुझसे मिलने की उम्मीद नजर आई, तब तब मेरे पैरों में जंजीर नजर आई। गिर पड़े मेरे आंखों से आंसू, गिर पड़े मेरे आंखों से आंसू, और हर एक आंसू में तेरी तस्वीर नजर आई। दोस्तों वंस अगेन स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आइए बात करते हैं मैनेजमेंट कंपनी की। अभी मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, सपोज डेट एंग्लो स्टर्न है, एंग्लो स्टर्न मैनेजमेंट कंपनी है। अभी मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या होता है, जैसे मैनेजमेंट कंपनी के अंडर में काफ़ी सारे ओनर्स, जो ओनर्स होते हैं वो मैनेज करने को शिप को दे देते हैं। जैसे सपोज डेट आपके पास मान लो 20 ऑटो है या 20 रिक्शा है या 20 ट्रक है, वाट एवर। अब आपसे वो मैनेज नहीं हो रहा है। अगर आप खुद चलाते हैं तो ऑटो ड्राइवर वाला लेके आएगा, डेली का ऑटो लेके आएगा, आपको 300 रुपये देगा, लेकिन आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज वो आपसे नहीं हो पा रहा है। आप इतना सिरदर्दी लेना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपने कोई बंदा एक्स ढूंढा और उस बंदे को कहा कि भाई तुम मेरे ऑटो ले लो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा और तुम मैनेज करो। सेम लाइक डैट मैनेजमेंट कंपनी है। अभी जैसे ओनर है, किसी ओनर के पास 50 शिप्स हैं बट उससे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं 50 शिप्स, तो वो क्या करेगा, 20 शिप्स को मैनेजमेंट कंपनी को दे देगा। सेम लाइक डैट जैसे एंग्लो ईस्टर्न में, अभी इसमें काफ़ी सारे MSC ने अपने जहाज दिए हुए हैं, MSC ने दिए हुए हैं, शेवरॉन ने दिए हुए हैं, शेल जैसी कंपनियों ने दे रखे हैं, LPG टैंकर्स ने रखे हैं, जैनको दे रखे हैं, दरिया फ्लीट ने, जैनको फ्लीट ने, RTM फ्लीट ने, फेडरल, सागा, इस तरीके की जो फ्लीट्स हैं, जो ओनर्स हैं। अभी फेडरल इतना बड़ा ओनर है, उन्होंने एंग्लो को 50-60 शिप्स दे रखे हैं कि आप मैनेज करो, आपका क्रू रहेगा, सब कुछ आपका रहेगा और हम आपको देंगे। क्योंकि क्रू मैनेज करना बहुत आजकल टफ है, अच्छे क्रू को वेल ट्रेंड करना, गुड क्वालिटी के क्रू, ये सब मिलते नहीं है जल्दी। दोस्तों इस तरीके से मैनेजमेंट कंपनी का काम होता है। बट मैनेजमेंट कंपनी, अब जैसे मान लो सपोज डेट फेडरल की बात करते हैं, तो फेडरल पूल है या सागा पूल है, उसके ओनर ने एंग्लो को दे दिए शिप कि आप मैनेज करिए, लेकिन हम आपको जो भी खर्चा आएगा वो हम आपको देंगे। तो एंग्लो इस तरीके से मैनेज करती है कि उसको कम से कम ओनर को देना पड़े, तो ओनर ट्राई कर लेता है। जैसे मान लो सपोज डेट एक ओनर है, जैनको का ओनर है, जैनको का, उसने ट्राई किए, कुछ शिप्स एंग्लो को दिए, कुछ सिनर्जी शिप मैनेजमेंट को दिए। अब वो देखेगी कि एंग्लो बढ़िया चला रहा है, कम सस्ते में कौन चला रहा है और कितना, मतलब सस्ता चल रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस तरीके से ये लोग ट्राई करते हैं और अपना फिर उस तरीके से मैनेजमेंट कंपनीज को देते हैं। सो व्हाट आई विल प्रेफर कि जो ओनर कंपनी होती है वो ऑलवेज बेटर होती है। ओनरशिप कंपनी में फ़ायदा होता है, मैनेजमेंट कंपनी भी ठीक है बट मैनेजमेंट कंपनी में उतना मतलब बेनिफिट नहीं है। ओनर कंपनी में यू कैन गेट मोर बेनिफिट एंड मोर रिस्पेक्ट ऑल्सो। सो ये होता है ओनरशिप कंपनी और मैनेजमेंट। ओनरशिप का तो आप समझ ही गए होंगे, वो खुद के ओनर होते हैं। अभी जैसे मैं ओनर हूँ, मेरे 30 शिप्स है, तो मैं ओनरशिप हो गया, लेकिन मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, किसी मैनेजमेंट कंपनी को दे दिए तो फिर वो मैनेजमेंट कंपनी उसको मैनेज करती है। और चार्टर जो होता है, चार्टरर, उसका काम क्या होता है। अभी जैसे मान लो सपोज रेट एक शिप है, उस शिप में
कार्गो लोड करना है, कार्गो लोड करना है तो उस शिप में लोड करने के लिए क्या लोड करना है वो चार्टर तय करता है, चार्टर देता है। ओनर को बोलेगा कि भाई मैं तुमको डेली का इतने $12,000 दूंगा, $13,000 दूंगा और आपको ये लेके जाना है, मैं ले रहा हूँ आपके चार्टर पे, एक वॉयज के लिए, दो वॉयज के लिए या फिर 5 ईयर के लिए। इस तरीके से वॉयज चार्टर, टाइम चार्टर, उसमें डिफरेंस है, वो बहुत लंबी स्टोरी है। तो इस तरीके से मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, चार्टर पार्टी क्या करता है, उनका जो कार्गो होता है वो कार्गो के लिए शिप को हायर करते हैं। तो ये छोटी छोटी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पूछ देते हैं ये ओनरशिप में क्या डिफरेंस है। अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे, कंपनी स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू में जाते हैं, तो आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं कि ओनरशिप में क्या अंतर है, मैनेजमेंट कंपनी में क्या डिफरेंस है, टैंकर शिप्स क्या होते हैं, बल्क कैरियर क्या होते हैं, कंटेनर क्या होते हैं, गैस कैरियर क्या होते हैं, रोरो वेसल क्या होते हैं, ये सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सिंपल चीज़ें हैं जैसा कि मैंने अभी बताया, इस तरीके से आप इन सब चीज़ों की नॉलेज रख सकते हैं। तो ओनर कंपनी का हो गया, मैनेजमेंट कंपनी का हो गया। अभी मैं कुछ मैनेजमेंट कंपनीज के नाम बताऊंगा, जैसे हो गया एंग्लो ईस्टर्न, सिनर्जी, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मैनेजमेंट करती है, एन वाई के शिप मैनेजमेंट। उसके बाद वी शिप्स भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वी शिप्स है। अभी यूनिवैन और एंग्लो ईस्टर्न दोनों मर्ज हो गया है। पहले क्या था, यूनिवैन एक अलग कंपनी थी और एंग्लो ईस्टर्न अलग थी, लेकिन लास्ट 2 और 3 ईयर से दोनों मर्ज हो गए हैं, तो दोनों कंपनी अभी एक साथ हैं, एंग्लो ईस्टर्न और यूनिवैन शिप मैनेजमेंट। तो अभी इनका नाम इन्होंने एंग्लो ईस्टर्न यूनिवैन शिप मैनेजमेंट रख दिया है। एंड ओनरशिप कंपनी की अगर आप बात करें तो जैसे हो गया बार्गेसन ओनरशिप कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, अगर कभी आपको चांस मिलता है तो उसमें ज़रूर सेल करिएगा। इस तरीके से ओनरशिप कंपनीज अभी बहुत ही कम है। यूनाइटेड ओशियन के बारे में सबको पता है, वो भी बहुत अच्छी कंपनी थी, बट स्टिल जो एंग्लो जो यहाँ इंडिया से उसका मैनेजमेंट ले लिया गया है कुछ ऐसी हरकतों की वजह से, अभी वो इंडियन क्रू नहीं लेते हैं, पहले वो इंडियंस लेते थे एंड अच्छी कंपनी थी। फिर मैनेजमेंट कंपनीज में आपकी आ जाती है एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट का ऑफिस बहुत बड़ा है। मैं गया था एक बार दिल्ली ऑफिस में, गणेश भगवान की मूर्ति है ऑफिस में, जैसे ही एंटर करेंगे, अभी ठीक है एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट। बट अगर आपको मैं प्रीफर करूँगा तो अगर सिनर्जी या एंग्लो में चांस मिलता है तो आप एग्जीक्यूटिव छोड़ के इन कंपनीज में जा सकते हैं, बिकॉज एक टाइम था कि एग्जीक्यूटिव में सैलरी की भी प्रॉब्लम हो रही थी, बट नाउ इट इज़ ओके। वो ब्रिटिश पेट्रोलियम का भी मैनेजमेंट कर रही थी, जो ब्रिटिश पेट्रोलियम के बारे में आप सबको पता होगा, वो टैंकर फ्लीट है, इज़ वेरी गुड, फंटेस्टिक। अगर कभी आपको चांस मिले तो ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी जरूर ज्वाइन करिएगा, उसमें बहुत फैसिलिटीज़ है। फिर आ जाइए इधर MSC मेडिटेरियन शिपिंग कॉरपोरेशन, जिनको कंटेनर शिप्स करने हैं, क्योंकि MSC के पास ओनली कंटेनर शिप्स हैं, बट बहुत बड़ी कंपनी है। पहले क्या था, MSC के शिप्स बहुत पुराने थे, अभी उन्होंने कुछ नए शिप्स लिए हैं, तो MSC कंपनी कंटेनर शिप्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो MSC कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद SCI के बारे में सबको पता है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो तो इंडियन कंपनी है, उसमें मोस्टली इंडियन शिप्स है। मिट्सुई ओएसके लाइन के बारे में भी आप लोग जानते हैं, मिट्सुई ओएसके लाइन भी बहुत अच्छी कंपनी है। एक टाइम था जब मिट्सुई ओएसके लाइन स्पॉन्सरशिप देती थी तो वो सारा खर्चा भी कैंडिडेट का बियर करती थी, बट वो टाइम चला गया दोस्तों। फिर इसके बाद आ रही है मस्क के बारे में आप जानते हैं, मस्क में मोस्टली कंटेनर शिप्स हैं, मस्क इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, अगर आपको मस्क कंपनी भी मिलती है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपको लाइक एंग्लो ईस्टर्न वगैरह में जाते हैं तो उसमें डिफरेंट के टाइप के शिप्स है, बल्क कैरियर, केमिकल टैंकर, गैस टैंकर, ऑल टाइप शिप्स है मोस्टली। फिर सिनर्जी अभी बहुत बूम अप कर रही है दोस्तों, सिनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, अगर आपको सिनर्जी से भी अगर कॉल आता है, सिनर्जी को अभी लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट भी है, बिकॉज वो शिप डे बाय डे उनके जो हैं शिप्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आप सिनर्जी कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे तो काफ़ी कॉल आते हैं सिनर्जी कंपनी से ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद आपका सिनर्जी कंपनीज का हो गया, MSC का हो गया, तो ये टॉप क्लास कंपनी है। इसमें एक दो मिस भी हो रही होगी, क्योंकि दोस्तों मेरे को ध्यान में आ रहा था, मैं आपको वो बता रहा हूँ फ्रेंकली। तो इस तरीके से आप इन कंपनीज में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, और भी बहुत कंपनी है, जैसा कि मैंने एक मेरी एक आप वीडियो देखेंगे
पास्ट वीडियोस में मैंने jobships.com के बारे में बताया हुआ है, तो उसमें तो दुनिया भर की कंपनीज का मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है। और आप एक बार खोलेंगे ना jobships.com के बारे में तो आपको सब पता चल जाएगा। और जैसे आपको कोई शिप अलॉट होता है तो आप उसकी पूरी डिटेल्स ले लें। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये फेक एजेंट्स के चक्कर में मत पड़े, छोटे छोटे शिप्स में डेड शिप्स में भेज देते हैं जिनका कोई IMO नंबर नहीं, शिप का नाम का आता पता नहीं। तो दोस्तों अगर आप इन शिप्स में जाएंगे तो आप फंस सकते हो, इसलिए इन छोटे छोटे शिप्स में मत जाइए। अगर आपको सेलिंग ही करना है तो बढ़िया शिप, बढ़िया कंपनी ज्वाइन करिए स्पॉन्सर्ड होके। और मैं ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग कर लिया है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, तो उनको भी बताएं शिपिंग फील्ड के बारे में। क्योंकि दोस्तों आप उनको अगर नहीं बताओगे तो कल को वो भी फंस जाएंगे। सो हमसे जितना हेल्प हो सकता है हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो कल को इस तरीके की ट्रबल्स उन लोगों को ना हो। सो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कंपनीज इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैंने पहले भी डाले थे, और मैं एक दिन पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस मैं वो प्रिपेयर कर लूँगा, मोस्टली कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। एक बार अगर आपको कंपनी मिल गई तो दोस्तों उसके बाद तो फिर आपके जय जय है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर एंटायर ट्रेनिंग सेशन और उसके बाद भी आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर एक बार उसके बाद COC वगैरह मिलने के बाद तो कहीं ना कहीं जॉब लग ही जाती है। सो प्रॉपर तरीके से आए, प्रॉपर वे में आए, ऐसा नहीं है कि कहीं से ट्रेनिंग कर लिया, कहीं से कुछ कर लिया, एजेंट को पकड़ लिया। इन सब एजेंट के फ्रॉड गिरी से बचे, मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि फ्रॉड एजेंट से बचें। फिर भी दोस्तों वो आपसे इस तरीके से प्यार से बात करेंगे कि सर हम करवा देंगे, आपको स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे, आपको फ्लाइट टिकट के सब कुछ दुनिया भर का सामान भेजेंगे, उनके ट्रैप में ना फंसे। एक बार आपने फंस गए और पैसे दे दिए, इसमें बहुत ऐसे बंदे होंगे जो एजेंट को पैसे दे के फंस चुके हैं, कई वो लोग नंबर चेंज कर लेते हैं या कई बार भेज देंगे, कोई लेने भी नहीं आता है, आपको वापस आने के लिए भी टिकट चाहिए। कई बार दुबई में भेज देते हैं, वहाँ पर उनके पासपोर्ट, कितने सी फेरर्स हैं, जब मैं जाता हूँ उनके पासपोर्ट्स जब्त कर लिए गए हैं, उनसे खेतों में काम करवाते हैं वहाँ पर सऊदी अरब वगैरह में। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एजेंट्स वगैरह के ट्रैप में ना फंसें। दुबई सऊदी अरब जैसी कंट्रियों में आप लोगों को भेज दिया जाता है, इसके लिए प्रॉपर कंपनी स्पॉन्सरशिप या प्रॉपर ट्रेनिंग करके ही आए। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग करके नहीं आते हैं तो ये फील्ड ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, गिनी चुनी 2-3 बातें हैं, और ज़्यादा कोई टफ एग्ज़ाम है नहीं, मैंने जैसे पहले ही बताया। ओके, बाय।